नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तारीकरण। जैसा कि मालूम हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज़ 3 में काफ़ी दूर तक, यानी कि सिंधिया घाट तक इसका विस्तार किया जाएगा, जिसमें मणिकर्णिका घाट, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, इन सभी का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। और इसकी लागत कुल 17.5 करोड़ रुपये है। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि आज तारीख है 5 फरवरी और दिन है मंगलवार का। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज़ 3 में मणिकर्णिका घाट और रत्नेश्वर महादेव मंदिर का रीडेवलपमेंट। वीडियो की शुरुआत मान महल घाट से आगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो चलिए वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा और श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अंदर का भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। और उसके बाद आपको ले चलूँगा मणिकर्णिका घाट होते हुए रत्नेश्वर महादेव मंदिर तक। ये आप देख रहे हैं वाराही घाट, और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ अभी चेंजिंग रूम कपड़े बदलने के लिए जगह जगह घाटों पर लगाए गए हैं। घाट पर पहले से काफ़ी अब सहूलियत हो गई है। आगे ही आपका मीर घाट सामने की तरफ देख रहे हैं। चलिए चलते हैं आपको त्रिपुर भैरवी घाट से होते हुए मीर घाट तक। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं मीर घाट पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम, और इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरे पीछे में मीर घाट। तो चलिए अब चलते हैं मीर घाट से आगे की तरफ। आगे में ही आपका ललिता घाट पर स्थित, ये आप देख रहे हैं रैंप। तो चलिए अब चलते हैं आपको लेकर ललिता घाट के पास। आज काफ़ी बादल है वाराणसी में। फिलहाल आप ये देख रहे हैं ललिता घाट पर स्थित रैंप पूरी तरीके से फिलहाल अभी बंद है। तो यहाँ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों का यहाँ पर प्रवेश मना है। मैं आ गया हूँ ललिता घाट के पास, और इस तरफ आपको मैं दिखाऊं तो सामने की तरफ कॉरिडोर का गंगा द्वार, और ये आपका ललिता घाट पर स्थित महल। ललिता घाट के नीचे का आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी पहले से ज़्यादा चहल पहल है। आपको कॉरिडोर के अंदर भी ले जाऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तारीकरण कहां तक होगा और क्या काम चल रहा है मणिकर्णिका घाट पर, क्योंकि कॉरिडोर मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में, और यहाँ काफ़ी गंदगी रहती थी। तो सबसे पहले मणिकर्णिका घाट का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि मंदिर काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और कभी भी वो
ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है। आगे जैसा कि आप देख रहे हैं, नाव में जाना है क्या? जाना होगा। मणिकर्णिका घाट और इस तरफ आप देखें कॉरिडोर और गंगा द्वार। मैं आ गया हूँ मणिकर्णिका घाट पर और यहाँ आप देख रहे हैं रीडेवलपमेंट का काम जैसा कि शुरू हो चुका है। सामने ही आप देखेंगे तो ये है बिरला भवन और ये पूरी तरीके से इसको ध्वस्त किया जाएगा और विस्तार यहीं से शुरू होगा। जैसा कि देखा आपने, काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और ये आपका कॉरिडोर का रैंप चला सेम पथ। सामने ही आप देख रहे हैं ब्रेक सेटिंग किया गया है अंदर जाने के लिए और ये पूरा इलाका रीडेवलपमेंट के क्षेत्र में आएगा, जिसमें से आप मणिकर्णिका का ये दृश्य देख रहे हैं घाट का। इस तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ फर्श पर फिलहाल जितने भी पत्थर थे उन सभी पत्थरों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। जैसा कि देख रहे हैं काम अभी भी शुरू है यहाँ पर। आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर लोहे का फ्रेम लगाया गया है और उसको पूरी तरीके से लोहे के शीट से इसको ढक दिया जाएगा और इस तरफ ये देखना यहाँ से शुरुआत पत्थर निकालने का काम शुरू। मणिकर्णिका घाट का रीडेवलपमेंट, सौंदर्यीकरण का काम और यहाँ और भी सुविधाएं दी जाएंगी। 17.5 करोड़ रुपए से अधिक का ये प्रोजेक्ट है। पूरा दृश्य आप देख रहे हैं बिरला भवन का और इस तरफ मणिकर्णिका घाट शुरू हो जाता है यहाँ से। आगे चल के आपको दिखाऊं तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर तक। आगे आप देख रहे हैं श्री तारकेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट पर। चलता हूँ आपको लेकर आगे की तरफ। यदि आप देख रहे हैं यहाँ मणिकर्णिका घाट पर आगे ही आपका रत्नेश्वर महादेव मंदिर, तो चलिए आपको रत्नेश्वर महादेव मंदिर का भी दृश्य मैं दिखाऊं, जिसका कि संरक्षण किया जाएगा। सामने ही आप देख रहे हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर, पूरी तरीके से झुका हुआ मंदिर है और ये इटली के पीसा के मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ मंदिर है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। काफ़ी शानदार ये मंदिर दिखाई देता है फिलहाल, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी झुका ये मंदिर है। इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा इसको। ये आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट से लेकर यहाँ तक, यानी कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर तक के पूरा काम होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 3 के अंतर्गत विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका कि काम शुरू भी हो चुका है जैसा कि मैंने आपको आगे दिखाया। आगे ही आपका सिंधिया घाट
फिलहाल ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर का आप दृश्य देख रहे हैं। देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट और उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। मणिकर्णिका घाट पर अनवरत प्रज्वलित चिताओं की अग्नि काशी में मृत्यु में भी एक उत्सव का एहसास कराती है। मणिकर्णिका वाराणसी के पंच तीर्थों में से एक है। इस घाट का संबंध अविनाशी चक्र पुष्पकर्णी कुंड में से है, जहाँ शिव की मणि कर्णमणि गिरी थी, जिसके कारण यह मणिकर्णिका घाट कहलाया। सन 1730 के आसपास पेशवा बाजीराव और सदाशिव नाइक ने इस घाट को पक्का घाट बनवाया। तो चलिए चक्र पुष्पकर्णी कुंड का भी आपको दृश्य दिखाता हूँ, जो कि बगल में ही है और उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। फिलहाल ये देख रहे हैं चक्र पुष्पकर्णी तालाब कुंड, जहाँ पर भगवान शिव की कर्णमली मणि गिरी थी और इसका भी संरक्षण किया जाएगा। ऊपर का दृश्य आप देख रहे हैं इस कुंड के। तो चलिए चलते हैं कॉरिडोर के अंदर लेकर आपको। ये आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार काम का शुरुआत हो चुका है आगे की तरफ। ये आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर फर्श पर टाइल्स निकालने का काम फिलहाल काफ़ी तेज गति से शुरू हुआ है और आने वाले समय में कि आपका भवन भी टूटेगा और यहीं से पूरा आगे तक के विस्तार किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं जलाशयन पथ से कॉरिडोर के अंदर आपको लेकर। सामने ही देख रहे हैं श्री सतुआ बाबा का आश्रम है और ये है जलाशयन पथ। ये देख रहे हैं जलाशयन पथ और यहाँ आपका रैंप पर जाने के लिए यहाँ गेट लगा दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोग रैंप पर ही टॉयलेट करते थे नीचे की तरफ और काफ़ी गंदा रहता था। अब पूरी तरह से यहाँ से बंद कर दिया गया है, नीचे से ही बंद किया गया है और ऊपर से भी आप जैसा देखा आपने ताला लगा दिया है गेट लगाकर। फिलहाल लिफ्ट चालू है ऊपर की तरफ जाने के लिए गंगा द्वार से। यहाँ पे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर शिव पंचायतन। बैद्यनाथ मंदिर के ठीक बगल में ही है। गेट नंबर एक इस तरफ आपका गोरखपुर गीता गोरखपुर, आगे आपका श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर। गेट नंबर एक जाने के लिए